फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह इस बार भी जायंस ग्रुप ऑफ भिवंडी और इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ने फ्री प्लास्टिक और जनरल सर्जरी कैंप का ऐलान कर दिया है। ये उनका 19वां कैंप है। हर साल की तरह इस बार भी सारे ऑपरेशन सारे सर्जरी फ्री में हो गए। इन ऑपरेशन की डिटेल्स अगर आप देखें तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी जिसके अंदर चेहरे के दाग, कटे होंठ और जले हुए के निशान, इन सब की सर्जरी होती है। और आँखों के ऑपरेशन में जैसे कि आँखों का भेंगापन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, इसमें ENT भी ऑपरेशन ऑपरेटेड होते हैं, जैसे कि गले के लिए, नाक के लिए कोई अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो ये भी सारे ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर। और जनरल सर्जरी में जैसे कि हाइड्रोसिल हो गया, हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इन सारी सर्जरी भी पूरी फ्री में की जाती है, कराई जाती है। आज जायंस ग्रुप ऑफ भिवंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें इस कैंप से जुड़ी सारी डिटेल्स जो है हम प्रेस वालों को दी। और इसमें कैंप के चेयरमैन डॉक्टर SD जैन, उन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि इस कैंप को किस तरह से हर साल अंजाम दिया जाता है, क्या क्या परेशानी आती है और कितने लोग जो है हर साल ऑपरेटेड होते हैं। उन्होंने बताया हर साल तकरीबन 200 से 250 लोगों की सर्जरी होती है। ये 19वां कैंप है, अब तक के 5000 से ज़्यादा लोगों की सर्जरी हो चुकी है। लास्ट ईयर का उन्होंने आंकड़ा बताया कि लास्ट ईयर 206 लोगों की सर्जरी हुई थी। आइए सुनते हैं विस्तार में उन्होंने क्या कहा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, उसके बाद में उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर करते हैं, सर्जन करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करते हैं, ENT डॉक्टर करते हैं, तो पूरी टीम जो रहती है IGS में उनका स्क्रीनिंग करती है। फाइनली वो डिसाइड किया जाता है कि ये पेशेंट का हमारे जो सेटअप है इस सेटअप में ये ऑपरेशन किया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंगली हम वो पेशेंट को इन्वॉल्व करके उनका दूसरा जो पार्ट रहता है उनका ब्लड चेकअप टेस्ट, क्योंकि जो कुछ चीज़ें रहती है ऑपरेशन के पहले वो सब मेडिकल ब्लड चेकअप से जानकारी ली जाती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, कुछ ब्लड बॉर्न डिजीज रहते हैं, तो कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता है। और साथ ही साथ वहाँ पे सीनियर मेंबर भी मौजूद थे जायंस ग्रुप ऑफ भिवंडी के, जिसमें से मिस्टर गगन जैन, उन्होंने भी बात की पत्रकारों से और बताया कि इस कैंप की कितनी इम्पोर्टेंस है और इस कैंप की अवेयरनेस दिलाना कितनी इम्पोर्टेंस है, लोगों तक ये बात पहुँचे। पहली याद पत्रकारों की, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ओम बोलो, बिस्मिल्ला बोलो, ये प्रेस से शुरुआत करते हैं और ये इतिहास रहा कि आपका आशीर्वाद ये 20 सालों से मिलता रहा। तो मैं फख्र से कहता हूं कि ये 20 साल में नए चेहरे नहीं है, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो 20 साल हमारे साथ खंबीरता से खड़े रहे। मैं उन सभी पत्रकारों को, आप सभी भाइयों को सलाम करता हूं। क्योंकि जब एक मैं बात बताता हूं कि ये परिवार में जब एक छोटे से छोटी भी सर्जरी रहती है ना, तो पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार खड़े रहते हैं। तो आज जो हम ये ऑपरेशन या सर्जरी जैसा एक कैंप लेते हैं, तो हमारे परिवार में जैसे आज सभी पत्रकार बंधु हमारे भिवंडी के, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका, BMPA, IMA, पिंपा, नीलकंठ मंदिर ट्रस्ट, हमारे जो फलायाम ट्रस्ट और ऐसे कई सेवाभावी संस्था है, कई ऐसे इंडिविजुअल लोग हैं जो एक सेवा के नाम पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के जो पेशेंट के साथ खड़े रहते हैं, वो वाकई एक सराहनीय बात है और हम भिवंडी शहर के लिए ये एक बहुत फख्र लेने वाली बात है। हर साल की तरह इस साल भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 जनवरी तक है और 2 फरवरी को इसका स्क्रीनिंग होगा कि ये देखा जाएगा कि कितने लोग ऑपरेशन के लिए एलिजिबल है, और जो लोग एलिजिबल हो गए उनका ऑपरेशन 18 फरवरी से स्टार्ट होगा। अलग अलग सर्जन भिवंडी के और बाहर के, जैसे कल्याण है, उल्लासनगर के सर्जन आके IGM हॉस्पिटल में ये सारी सर्जरी को अंजाम देते हैं। इसके अंदर अहम भूमिका डॉक्टर भारती खांडेलकर की रहती है, वो प्लास्टिक सर्जन है। इसके पहले प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर स्वर्गवासी डॉक्टर दीक्षित करते थे, उनके देहांत के बाद में ये जिम्मेदारी डॉक्टर भारती खांडेलकर ने बहुत अच्छी तरह से संभाली है और हर साल की तरह इस साल भी वो इस कार्य को अंजाम देगी। अगर आपके भी आसपास में या आपकी नज़र में भी कोई
इस तरह का पेशेंट है जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, आँखों की सर्जरी हो, या तो कोई जनरल सर्जरी हो, तो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इस मुफ्त सर्जरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम चाहते हैं ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको कुछ और जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी जानकारी इसकी इस कैंप की दे सके। मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ चैनल की तरफ से थैंक यू।